ओम शांति। आज का ईश्वरीय वरदान, हमारे 30 मई का ईश्वरीय वरदान, जहाँ परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम मुख से तो हम सेवा कर सकते हैं, लेकिन हम उससे भी तीव्र गति से सेवा कर सकते हैं जब हम संकल्पों से शुभ भावना रख करके, किसी के बारे में शुभकामना रख करके, चाहे उसने हमारा भला बुरा भी किया हो, बुरा करा हो, तो भी हम उसके लिए शुभकामना रखें, शुभ भावना रखें। कोई हमें नुकसान भी पहुँचा रहा हो, तब भी हम उसकी सेवा करें मन से, कि उसको सही दिशा मिले, उसको ज्ञान मिले, उस आत्मा को विवेक मिले और वो सही दिशा पर चलना शुरू हो जाए। तो मुख से बोलना तो कभी कभी मुश्किल हो जाता है, लेकिन मन से भी हम सेवा कर सकते हैं किसी इंसान की जो कि हजारों किलोमीटर दूर है। यही चीज़ हम सीखते हैं ब्रह्म कुमारीज में। तो आज का वरदान कहता है, मनसा द्वारा, मनसा मतलब कि मन के संकल्पों के द्वारा तीव्र गति की सेवा करने वाले बाप समान मर्सीफुल भवा। तो परमात्मा का तो कोई शरीर नहीं है, लेकिन फिर भी परमात्मा एक सेकंड में औरों की बारे में अच्छा सोच करके, उनको अच्छे संकल्प प्रदान करके उनको शांत कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें परमात्मा से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। वो कनेक्शन कैसे करें, वो हम सीखते हैं ब्रह्म कुमारी इसमें। लेकिन कुछ आत्मा ऐसी हैं जो कि बेचारी कनेक्ट नहीं हो पाती, उनकी एनर्जी का हो या वाइब्रेशन का हो बहुत लो है। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम उनको मदद करें और हम खुद कनेक्ट होकर परमात्मा से हम उनकी एनर्जी लेकर के हम और को दे सकते हैं। तो इसमें संगम युग पर बाप द्वारा जो वरदानों का खजाना मिला है, जो जितना बढ़ाना चाहो उतना दूसरों को देते जाओ। अगर हम खजाना बढ़ाना चाहते हैं, मतलब अगर हम शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, एकाग्र चाहते हैं अपने लाइफ में, तो हम औरों के लिए इन चीज़ों की दुआ करें, औरों के लिए इन चीज़ों के बढ़ने की दुआ करें। और औरों को हम संकल्पों से, थॉट से, मुख से नहीं ज़रूरी, हम थॉट से भी हम किसी के लिए बोल सकते हैं कि इस आत्मा के अंदर सहन शक्ति बढ़ती जा रही है, इस आत्मा के अंदर सामना करने की शक्ति बढ़ती जा रही है, इस आत्मा के अंदर निर्णय सही क्या है गलत क्या है उसको परखने की शक्ति बढ़ रही है इसके अंदर, इस आत्मा के अंदर कर्मों का ज्ञान बढ़ रहा है। ऐसे ऐसे हम दुआ कर सकते हैं, जिसको दुआ कहते हैं। लेकिन हम इस तरीके से हम किसी को शक्ति प्रदान कर सकते हैं अपने संकल्पों से भी। फिर परमात्मा कहते हैं, जैसे बाप मर्सीफुल है, ऐसे बाप समान मर्सीफुल बनो। सिर्फ वाणी से नहीं, यानी कि सिर्फ बोल करके, जैसे हम अभी वरदान शेयर कर रहे हैं, ये तो वाणी की सेवा होगी, लेकिन परमात्मा चाहते हैं कि वाणी से भी तेज सेवा कर सकते हैं, थॉट्स के थ्रू, संकल्पों के द्वारा। लेकिन अपनी मनसा वृत्ति से वायुमंडल द्वारा भी आत्माओं को अपनी मिली हुई शक्तियां दो। मनसा, थॉट्स में मेडिटेशन बैठे हो आप सुबह सुबह या शाम को, और आप पूरे जगत की आत्माएं, कहीं पे कोई पीड़ा में है, किसी को भुखमारी हो रही है, कहीं पे वॉर है, कहीं पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वहाँ पे लोग बेचैन हो रहे हैं, अपनों से बिछड़ रहे हैं, तो उनको शक्ति मिले, सामना करने की ताकत मिले, ये सब कुछ हम मेडिटेशन से कर सकते हैं। इससे हमारी शक्ति बढ़ती है और हम शांत होते हैं, हम खुश होते हैं, हम तंदुरुस्त होते हैं मानसिकता से, ये फायदा होता है। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, तो तीव्र गति से सेवा करो। जितना स्वयं को सेवा में बिजी करेंगे, उतना सहज माया जीत भी बन जाएंगे। अगर खुद ही हम थॉट्स से प्योर थॉट्स क्रिएट करें, सकारात्मक संकल्प करें, पवित्र संकल्प करें औरों के लिए, तो ऑटोमेटिकली हमारे मन की अवस्था भी बहुत ऊंची हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी मेडिटेशन नहीं होती है, हमें मेडिटेशन करना नहीं आता है। परमात्मा कहते हैं, तुम औरों के बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दो, औरों को दुआएं देना शुरू कर दो, औरों को शक्तियां प्रदान करो, औरों के लिए अच्छी चीज़ें सोचो, तो तुम्हारी मेडिटेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा मन साफ हो जाएगा। और जिसका मन और बुद्धि साफ है, वो परमात्मा से ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है। उसको मेडिटेशन करना, भगवान को याद करना, परमात्मा से योग लगाना मुश्किल नहीं होता है। तो आप चलते फिरते दिन भर सड़क में कोई दिखा, कोई न्यूज़ सुनी आपने, किसी की दुर्घटना हुई, उसके लिए आप प्रे करना शुरू करते हैं, आपका मन साफ, दिल साफ और परमात्मा से आप जुड़ जाएंगे। आज का ये श्री वरदान, इसके बारे में और गहराई से जानने के लिए आप ब्रह्म कुमारीज में 7 दिन का कोर्स करें। ओम शांति।